के इस वीडियो में हम ग्रामर का प्रोनाउन जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है सेकंड पार्ट होता है, जिसका हिंदी हम सर्वनाम कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। डेफिनेशन जनरली हमको मालूम होता है, अ वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम जो है जनरली किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, रूल्स को, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सर्वनाम के प्रोनाउन के उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाय द वे डेफिनेशन की बात करें तो होता है अ वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को फोकस करना होता है जो कि इसमें बार बार आती है। तो प्रोनाउन में जो है कि एक चीज जो है कि बार बार रिविजन होता है वो है आपका केस। केस जो है जिसका हिंदी होता है कारक, ये जो है कि बार बार इसमें आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं कुछ। ठीक है, केस अगर देखा जाए जनरली चार पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं नोमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा जो होता है पॉसेसिव केस। और इसमें ध्यान देना है, एक और आपको पढ़ लेना है इसी में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी हमें इसी में पढ़ लेना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो केस में हम देखें तो इसके हमने चार पार्ट किए हुए हैं, नोमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। ठीक, सॉरी, ये केस नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो चौथा पार्ट होता है वोकेटिव केस, जो कि इस चार्ट में नहीं बनाया गया है, क्योंकि हम इसके थ्रू जो है कि एक चीज को पढ़ने वाला जो कि क्लियर भी हो जाएगा हमारा। तो नोमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जो कि एक ही नाम है, देखते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि पॉजेसिव केस के दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक हो जाएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हो गया आपका नोमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। अगर इसमें देखें तो इसमें हमारा जनरली क्या होता है, आई और वी, फिर यू, फिर ही, सी, इट और दे। ये जो होते हैं सेवन प्रोनाउन, ये जो होता है इसमें फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी, यू जो होता है हमारा किस पर्सन का होता है, सेकंड पर्सन का होता है, और ये जो चार है आपके सामने ये होता है थर्ड पर्सन का। पर्सन का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी काफी रूल पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये आपका हो गया थर्ड पर्सन। अब इनके ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं तो इसका मी हो जाता है, अस, यू का तो यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का हो जाता है देम। अब इसके एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में आपका हो जाता है माई और प्रोनाउन हो जाएगा माई। उसी प्रकार इधर हो जाता है आवर, इधर हो जाता है आवर्स, ये हो जाएगा योर और इधर हो जाता है योर्स, ये हिज, सेम इधर भी होगा हिज ही होगा, हर का यहां पे हर होता है और इधर हर्स हो जाता है, इट का इट्स होता है और इट्स का जो है कि पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, और दे का तो होता है दियर और इधर हो जाएगा आपका दियर्स। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो माई का क्या हो जाता है आप जानते हैं, माई सेल्फ। आवर का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। योर का क्या हो जाएगा, योर का तो दोनों होता है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ हूं कि योर जो है मतलब जो यू होता है हमारा, ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों में काम आता है। तो योर का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। अगर आगे इसमें चलते हैं तो ये ही का हो जाता है हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का हो जाएगा देम सेल्फ। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली क्या चीज है मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारा केस प्रोनाउन में जो आप केस पढ़ रहे, इसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम एक एक रूल करके देखेंगे और प्रोनाउन के दो पार्ट में वीडियो बनने वाला है, क्योंकि एक पार्ट में दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल प्रोनाउन, सो आई एम गोइंग टू मेक सेकंड पार्ट आल्सो। तो यहां पे आप देखें कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, तो जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में खास बात क्या ध्यान देना होता है कि जो ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, ये प्लेस इनका जो होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस के होंगे उनका प्लेस क्या होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। जहां भी आएंगे एज अ ऑब्जेक्ट आएंगे, और ये सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस जहां भी आएंगे एज अ सब्जेक्ट आएंगे।
अब पॉजिटिव केस की बात करें तो ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन हो गया, तो माई का माई। अब देखो ध्यान क्या देना है, जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये हमेशा कोई ना कोई क्या करेगा, नाउन लेगा। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो भी आपका दिखाई दे रहा है ना, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, लेकिन ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है जिसके बाद नाउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन होता क्या है, मैंने अभी डिफिनेशन बताया, अ प्लेस विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि अगर ये प्रोनाउन है तो इसमें पहले से ही नाउन क्या हुआ है, मिला हुआ है। प्रोनाउन है तो इसमें नाउन इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, जैसे कि आप कहो गुड, तो आप अगर गुड लिखते हो तो गुड में आप बॉय जोड़ सकते हो। आपने बॉय क्यों जोड़ा, क्योंकि गुड क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन लेता है या ले सकता है, लेकिन प्रोनाउन जो है नाउन नहीं लेगा, क्योंकि इसमें नाउन सम्मिलित होता है। तो आप ध्यान रखिए कि इसका प्रयोग जब भी करेंगे एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, और इसका प्रयोग जब भी करेंगे एज अ प्रोनाउन के रूप में करेंगे। यानी कि आप एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज नहीं कर सकते हो, जबकि आप चाहो तो माइन, आवर्स, योर्स को एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे जो भी सिंगुलर आपको दिखाई देगा, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, वो सब सिंगुलर है, और जो सिंगुलर है उसमें आपको क्या मिलेगा, सेल्फ, ध्यान दीजिएगा सेल्फ, और सेल्फ का बहुवचन क्या होता है, सेल्फ्स। ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन करेगा कि माई सेल्फ की जगह पे आपको दे देगा माई सेल्फ्स करके, जहां पे देम सेल्फ्स होना चाहिए वहां पे दे देगा देम सेल्फ करके। तो ध्यान देना कि सेल्फ का जो बहुवचन होता है क्या होता है, सेल्फ्स होता है, और माई, योर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये जो है इटसेल्फ, ये जो होता है सिमिलर होता है, तो इसमें हमेशा सेल्फ आएगा। जबकि ये जो आपका आवर सेल्फ्स है, योर सेल्फ्स है और देम सेल्फ्स, जो तीन आप देख रहे हो, ये हमेशा एज अ प्लूरल आएगा। तो ये केस की बात रही। अब इस केस को पढ़ने से हमारे नाउन में, सॉरी नाउन कह रहा हूं, हमारे प्रोनाउन में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, हम इसको देखेंगे। वेट, हम देखेंगे कि जो हमने केस पढ़ा, इस केस से हमें हमारे एग्जाम में कैसे रूल्स पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे रूल हम जानते हैं, ठीक है। रूल क्या कह रहा है समझ लीजिए कि लेट, L-E-T, लेट, फिर आप ले लो प्रीपोजिशन, फिर आप ले लो जिरंड, या ले लो आप इन्फिनिटिव, ठीक है। आपको तीन चार है, लेट, कोई प्रीपोजिशन हो, जिरंड हो या इन्फिनिटिव हो, जब भी ये आपके सामने कहीं दिखाई दे दे तो आप ध्यान रखना कि इनके बाद आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। किसके किसके बाद, लेट के बाद, कोई प्रीपोजिशन हो उसके बाद, जिरंड हो उसके बाद, इन्फिनिटिव हो उसके बाद, आपको ऑब्जेक्टिव केस लाना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं लेट सी गो, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद आपने सी का यूज किया है। और अभी आपको मैंने जो लिस्ट बताया था केस का, आप उसको पेज पर नोट कर लो और अपने सामने रख लेना। इसमें बताना कि जो सी था वो किस केस में था, ऑब्जेक्टिव में था या सब्जेक्टिव में था। ऑफ कोर्स ये सब्जेक्टिव केस का, यानी ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा लेट हर गो, ये पहला आपका रूल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम प्रीपोजिशन को देखते हैं, जैसे कि अगर कहा जाए डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन ही एंड यू, ये सेंटेंस भी गलत होने वाला है, क्योंकि आप देखो जो बिटवीन आपने यूज किया है, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन ही एंड यू, अब ध्यान दो यू को ले लेते हैं, आप इस सी कर लेते हैं या कर लेते हैं वी, ठीक है। तो अब ध्यान करते हैं यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो प्रीपोजिशन है यहां पे एज अ बिटवीन के रूप में यूज हुआ है। अब बिटवीन के बाद जो आपने ही यूज किया है और जो यू यूज किया है, ये दोनों किस केस में आता है, तो अगर आप लिस्ट देखोगे तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में आता है, जो कि गलत है। इसका सही क्या होना चाहिए था, हिम एंड अस होना चाहिए था, ये पोर्शन सही होगा। तो ध्यान रखें कि लेट के बाद और प्रीपोजिशन के बाद आपको कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। अब जिरंड की बात करते हैं, जिरंड की, जैसे कॉलिंग आई इज नॉट गुड, कॉलिंग आई इज नॉट गुड, तो यहां पे आप कॉलिंग यूज किए हो, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसमें आई भी इंक्लूड है, जबकि ये जीरंड है, तो यहां पे कॉलिंग आई की जगह पे क्या होना चाहिए था, मी होना चाहिए था, ये भी गलत है। अब इन्फिनिटिव की बात कर लेते हैं, आई होप टू, आई होप टू सॉल्व दे प्रॉब्लम, तो आप देखो आई होप टू सॉल्व, अब टू सॉल्व क्या है,
आपको मैं यहां बता दूं, बताता चलूं कि जीरंड जो होता है वो वी वन प्लस आईएनजी के रूप में होता है और एज अ नाउन काम करता है। इन्फिनिटिव जो होता है वो टू प्लस वी वन के रूप में होता है और एज अ नाउन काम करता है। तो आई होप टू सॉल्व। अब यहाँ पे जो आपने दे यूज किया है, दे किस केस का है, तो सब्जेक्टिव केस का है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दे होना चाहिए था। ध्यान रहे लेट, प्रीपोजिशन, जीरंड और इन्फिनिटिव के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करने हैं किसी भी सिचुएशन में। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम रूल को आगे बढ़ाएंगे तो हम ध्यान से देखेंगे कि जब एज देन और, जैसे कि आपका जो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब जिसमें आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड इंक्लूड होता है, इसके बाद आप कौन सा केस यूज करेंगे, तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ध्यान देना, इससे पहले जो रूल बताया गया था उसमें हमें उनके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना था और यहां पे हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना है। कब कब, तो जब एज दिया हो, देन दिया हो या फिर कोई लिंकिंग वर्ब दिया हो। लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है। अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं ही इज एज गुड एज मी, तो सेंटेंस गलत हो जाए। आप देख सकते हो कि जो सेंटेंस में एज आया है, यहां पे क्या आया है, मी आया है। जबकि एज और देन क्या करता है, एज और देन और जो लिंकिंग वर्ब होता है ये हमेशा क्या करेगा, आपका सब्जेक्टिव केस लेगा, यानी कि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो गाइस एक चीज क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ना है तो आपको प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको वहां पे जो है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जानकारी होनी चाहिए, तो आपका काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है प्रोनाउन में। तो हमने देखा कि एज के बाद क्या होता है कि सब्जेक्टिव केस होता है, तो कैसे होगा, तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ही इज एज गुड एज आई होगा, मी गलत हो जाएगा। देन की बात करते हैं, ही इज टॉलर देन हर, ये भी तो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि देन जो आपने यूज किया, देन के बाद आपने हर यूज कर दिया और हर तो होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा यहां पे, सी, तो ये सही हो जाएगा देन के बाद। अब लिंकिंग वर्ब की बात की जाए, देखिए एक बहुत ही मोस्ट फेमस सेंटेंस है जो हम लोग प्राय यूज करते हैं लेकिन हम गलत यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया इट्स मी और मैंने लिख दिया इट इज आई, तो मैंने जिससे भी क्वेश्चन पूछा उसमें से 90% आंसर पहला आता है, पहला कह रहा हूं दूसरा आता है नहीं पहला ही आता है। 90% लोग उत्तर कहते हैं, उत्तर देते हैं कि इट इज मी सही है, इट्स मी, कोई बोलता है इट्स मी, 90% आंसर आता है। 10% आपका आंसर आता है इट्स आई, और जबकि सही है तो इट्स आई ही सही है, इट्स मी गलत है। तो ध्यान रखिए यहां पे क्यों गलती हो रहा है इट्स मी, क्योंकि इज जो है आपका लिंकिंग वर्ब है और किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद हम कौन सा केस यूज करेंगे, तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे कि अगर कहना होगा इट वॉज हिम, तो ये गलत हो जाएगा ना, इट वॉज क्या होना चाहिए था यहां पे, ही होना चाहिए था। तो ये आपका रूल रहा। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ होता है, एक लिस्ट मैंने इससे पहले दिया हुआ था आपको। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपके एग्जाम में कैसी गलती दे सकता है, जैसे कह देगा, दो प्रकार से गलती देगा, आई डू माई वर्क आवर सेल्फ, पहली गलती इस प्रकार होती है। अब देखो आई के साथ आपने माई यूज किया, तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई यूज हुआ, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ थोड़े होगा, क्या होता है, ये होता है माई सेल्फ। तो पहली गलती कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना देकर कोई दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा, जैसे आवर सेल्फ दे दिया था जबकि होना चाहिए था माई सेल्फ। दूसरा गलती कैसे देगा, अगर ऐसे देता है ही गोज टू स्कूल हिमसेल्फ। अब आपको गलती दिखाई दे रही होगी कि जब ही के लिए आपने हिमसेल्फ का जो यूज किया है ये गलत है, क्योंकि ही जो है सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ सेल्फ यूज होता है। सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, सेल्फ। देख लीजिए यहां पे सिंगुलर मैंने लिख दिया और इसका प्लुरल क्या होता है, तो प्लुरल होता है सेल्फ। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ सेल्फ नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था, सेल्फ आना चाहिए था। तो इस रूल से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आपके दो प्रकार की गलतियां दी जा सकती है, पहला कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए वो नहीं देगा, और दूसरा कि जहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिमिलर होना चाहिए वहां पे क्या कर देगा, प्लुरल कर देगा, या फिर जहां पे प्लुरल होना चाहिए वहां पे क्या कर देगा, सिमिलर कर देगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से गलती हो सकती है। अब
अब का जो इसके आगे का जो रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि अगर आपका देखिए अगर ऐसे कुछ दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो ठीक है, फिर वर्ब दिया हो, फिर कोई प्रोनाउन दिया हो, फिर हु दिया हो और फिर वर्ब आए, यहां तक ही मैं सीमित रखता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन या नाउन दोनों हो सकता है। अगर हु से पहले कोई प्रोनाउन है या हु से पहले कोई नाउन है तो जो हु के बाद वर्ब आएगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन। ध्यान देने वाली क्या बात है कि हु से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हु के बाद क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, ठीक है, अब आप देखो कि ये सेंटेंस गलत हो रहा है। अब गलत क्या हो रहा है कि देखो हु से पहले क्या है, आई, आई क्या प्रोनाउन है और आई प्रोनाउन के साथ हम इज यूज करते हैं या एम यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, ऑब्वियसली एम यूज करते हैं। तो ध्यान देना कि हु से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन, एक नाउन पे भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे इट वॉज बॉयज हु हैज हेल्प्ड मी, सेंटेंस गलत क्योंकि हु से पहले आपने बॉयज यूज किया एंड बॉयज इज अ, बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन में आएगा, इसके साथ आप हैज ना यूज करके क्या यूज करोगे, हैव यूज करोगे, ठीक है। तो ये रूल हो गया। यहां पे एक और रूल बनता है जो मैं आपको बता दूं, देखो जो हु होता है और जो विच होता है इसमें काफी डिफरेंस नहीं होता, इन दोनों का हिंदी निकलता है जो, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं इन दोनों की हिंदी क्या होती है, जो होती है, जो के लिए हु भी यूज करते हो और विच भी यूज करते हो। डिफरेंस क्या है गाइस, डिफरेंस ये है कि हु का प्रयोग जो होता है किसी पर्सन के लिए होता है जबकि विच का प्रयोग जो होता है किसी थिंग के लिए होगा या किसी एनिमल के लिए होगा, ठीक है। अब दोनों पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड यू। अब आप देखो कि जो बॉय के लिए जो हु यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, बॉय के लिए हुआ है, तो हु बॉय यानी कि किसी पर्सन के लिए हुआ है, लिविंग थिंग के लिए हुआ है, तो ये इस कंडीशन में सही हो जाएगा। गलती आप एग्जाम में कैसे दे देगा, दिस इज द बॉय विच हेल्प्ड यू कर देगा। तो यहां पे अगर जैसे ही विच आएगा, बॉय के लिए विच यूज किया तो गलत हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल, दिस इज द हॉर्स, दिख रहा है सब नीचे, दिस इज द हॉर्स हु ओन द रेस। अब ये सेंटेंस गलत, अब देख लो हु का प्रयोग आपने हॉर्स के लिए किया जबकि हॉर्स क्या है, एनिमल है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, हु की जगह पे आपको यहां पे विच लिखना चाहिए था जो कि सही होगा। तो दिस इज द हॉर्स विच ओन द रेस, तो ये एक रूल हो गया। यहां से आपके दो रूल, इन रूल्स को आप एक कॉपी पे नोट करो तो बेटर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन को करने से पहले कि आप केस को क्लियर कर लो, ठीक है। मैंने भी केस का एक बता दिया है जिसमें वोकेटिव केस होता है, मैंने वो मेंशन नहीं किया था क्योंकि दैट इज नॉट रिलेटेड टू दीज रूल्स। तो मैंने आपको चार वहां पे पार्ट बनाकर समझाया, उसको पहले आप नोट करो कहीं। और देखो ये हु वाला जो दो रूल था, ठीक है, एक हु से हो गया, एक विच से हो गया। अब ध्यान देना है कि हु से हुम भी बनता है, हु से हुम भी बनता है। तो हु से हुम जब बनता है तो आपको ये ध्यान देना है कि हु से जब हुम बनता है तो जब हु पर्सन के लिए आ रहा है तो हुम भी किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा, किसी थिंग के लिए नहीं आएगा। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने पर्सन को मेंशन किया हुआ है। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट और दे। ये चार जो प्रोनाउन है ये आपके हैं थर्ड पर्सन के, ये यूज होता है सेकंड पर्सन का होता है, और जिसमें आई और वी है वो फर्स्ट पर्सन का है। इसको आप वन लिख दो, इसको आप टू लिख दो और इसको आप थ्री लिख दो, ठीक है। अब एक रूल बनता है, एक रूल क्या बनता है कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के जगह पे यूज करते हो तो 231 का नियम बनता है, 231 का। अब 231 231 का रूल क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तीनों पर्सन के प्रोनाउन को जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो 231 को फॉलो करेंगे। जैसे कि अगर मैं लिख दिया आई वी एंड यू वेंट टू मार्केट, सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि आप अगर देखो तो आई आता है फर्स्ट पर्सन में, वी आता है फर्स्ट पर्सन में और
यहां पे वी की जगह पे आप यू ले लो या सी ले लो, सही रहेगा। ठीक है, ये आता है थर्ड पर्सन में और यू आता है सेकंड पर्सन में। तो अगर आप देखो तो ये हो गया आई सी एंड यू, ये हो गया 132 यानी कि 132 का फॉर्मूला हो गया, जबकि आपको किसको फॉलो करना है 231 का। तो 231 के लिए हम क्या करेंगे, जो टू वाला प्रोनाउन है यानी कि यू को पहले कर लिए, उसके बाद थ्री आ रहा है यानी कि सी को रख लिया, और एंड क्या कर लिया आई, ये हो गया हमारा 231, ये हमारा 231 का फॉर्मूला हो गया। और फिर उसमें हम लिख सकते हैं वेंट टू मार्केट। लेकिन ध्यान देना है कि जब हम सही काम के लिए, सही काम का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंस के लिए 231 आता है, पॉजिटिव सेंस की बात करें तो। निगेटिव सेंस के लिए क्या आता है, निगेटिव सेंस के लिए आता है हमारा, देखिए निगेटिव सेंस की बात आप करेंगे, निगेटिव सेंस मतलब क्या है समझ लो, कि हम तीन लोग मिलकर बाजार गए, ये सही काम है, ये पॉजिटिव सेंस है, इसमें कोई गलत काम हमने नहीं किया। निगेटिव सेंस क्या होगा, निगेटिव सेंस होगा जैसे कि अगर मैं लिख दूं यू सी एंड आई किल्ड अ डियर, अब हम तीन मिलकर एक हिरण को क्या किए, मार दिए, तो इस सेंस में हमने जो काम किया वो क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंस। और निगेटिव सेंस के लिए आप याद रखना 1 2 3, सर यहां तक ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। तो निगेटिव सेंस के लिए हम 1 2 3 का यूज करते हैं, मतलब 123 का फॉर्मूला यूज करेंगे, और सही काम के लिए हम क्या करेंगे 231 का। तो सही काम तो है नहीं, ये गलत काम हो रहा है, तो इसमें हमें फर्स्ट पर्सन को पहले करना होगा, फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा आई, फिर हमें सेकंड पर्सन को रखना होगा यानी क्या है यू, फिर हमें थर्ड पर्सन को रखना होगा यानी कि एंड सी, और फिर हम लिख देंगे क्या किल्ड अ डियर। ये जो है हमारा सही हो गया, क्योंकि हमने यहां पे क्या किया, तीनों पर्सन को 123 के क्रम में रखा, क्योंकि हमारा गलत काम था। तो इस रूल से हमें यही पता चलता है कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे हो, तो एक बार हम 231 का रूल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और एक बार 231 का फॉर्मूला पहली बार, निगेटिव सेंस के लिए 123 का, दोनों पे हमने एग्जाम्पल यहां पे दे दिया है। ओके सो नेक्स्ट रूल में हम इंडिफिनिट प्रोनाउन को मेंशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउन जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिससे कि किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित संख्या, निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु का बोध न हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं यू, तो यू किसी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया, तुम। लेकिन अगर वही मैं कह दूं समवन कोई, तो अब कोई से आप क्या समझोगे, कोई से आप ये नहीं समझोगे कि किसकी बात हो रही है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन को अगर देखा जाए यहां पे रूल के अकॉर्डिंग, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं लिविंग इंडिफिनिट प्रोनाउन, और दूसरा कर सकते हैं हम नॉन लिविंग इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, नॉन लिविंग इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो अब लिविंग में क्या आ जाता है, लिविंग